हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक फार्मा सेक्टर की कंपनी का, एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, एक छोटा सा स्टॉक है, पेनी शेयर हम कह सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यानी अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग होता है। अगर आप चार्ट पे देखोगे ना तो लोअर सर्किट अपर सर्किट का सिलसिला इसमें ज़्यादा नहीं चलता। ये देखो मतलब पूरी वॉल्यूम होती है, पूरी वॉल्यूम वाइज ट्रेडिंग होता है। तो अगर ऐसा स्टॉक मिल जाए और हमें लगे कि ये लॉन्ग टर्म में कुछ कर सकता है तो इसकी बात है कि आप देख पा रहे हो ज़्यादा यहाँ पर देखो अपर सर्किट, यहाँ पर थोड़ा सा लोअर सर्किट एक दो, तो मतलब हमें समझ में आता है कि इसमें फंसने फंसाने वाला काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 3-4 रुपये से अपर सर्किट शुरू हुआ, 5 रुपये में बंद हो, मतलब अपर सर्किट लग जाता है यहाँ पे, तो एक चीज़ समझ में आ रहा, फिर नीचे आ गया 3 रुपये पे आ गया, यहाँ देखो फिर ऊपर गया। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट का सिलसिला ये खेलता ज़्यादा नहीं खेलता, खेलता है ज़्यादा नहीं खेलता है। एक चीज़ हमें समझ में आती है, अगर जब हम अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले शेयर से थोड़े से दूर होते हैं तो लिक्विडिटी हमें मिलती है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप शेयर से निकल सकते। होता क्या है, समझ लीजिए आपने एक ABC शेयर बाय किया, कोई पेनी शेयर खरीदा, समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूँ PMC सिंकॉप आपने 30 पैसे पे खरीद लिया, एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है ना। 30 पैसे से वो रैली शुरू किया, आपको तो पता नहीं है कहाँ पर ये रैली खत्म होगा, यहाँ पर 1.50 रुपये पे चला जाता है, ठीक है। अब ये जब नीचे से 30 पैसे से 1.50 रुपये पे, तो आपको क्या पता कि कब ये मुड़ेगा। आप सोच रहे हो तो ये तो आज मल्टीबैगर बनाएगा तो 10 रुपये तक जाएगा, लेकिन क्या करता है दूसरे दिन जब ये खुलता है तो लोअर सर्किट करता ये लोअर सर्किट जो है 20 पैसे पे टूटता है मान लूंगा। तो क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा ये जो माजरा रहा ना, ये पूरा का पूरा जो जर्नी रहा, यहाँ पे आपके अकाउंट में प्रॉफिट तो जरूर दिख गया लेकिन आप बुक ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि काउंटर लिक्विड ही नहीं था। मैंने एक पहले भी वीडियो में बायर सेलर के बारे में समझाया था कि अपर सर्किट लोअर सर्किट होता क्यों है, ये लगता क्यों है, स्टॉक मिलता क्यों नहीं है आपको। इस तरह से बेस्ट 5 का विंडो होता है, यहाँ पे इस साइड में बायर होते हैं, इस साइड में सेलर्स होते हैं। जब बहुत सारे बायर रहेंगे और सेलर बेचने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, जब सेलर कोई नहीं रहेगा, जीरो रहेंगे, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक अपर सर्किट में चलने लगता है। सेम लोअर सर्किट कब आता है, जब ये बायर्स जो हैं वो सारा का सारा डंप कर देते हैं, ठीक है ना, सारे सारे बायर हैं, सेलर कोई नहीं है, बेचने के लिए कोई नहीं, तो ये अपर सर्किट में जाता है। आपको तभी तो नहीं मिलता, अपर सर्किट में जब कोई स्टॉक लगाता है आप रोज़ बाय करने की कोशिश करते हैं, रोज़ बिड लगाते हैं, लेकिन आपको मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचने वाला कोई है ही नहीं, सब तो खरीदार है, और स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जब लोअर सर्किट लगना होता है फिर क्या होता है, यहाँ पर सेलर सब भर जाते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ कहीं खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, हो सकता है 1.5 रुपये पे भी खरीद लिया। अब यहाँ पर 1.5 रुपये पे बेचा कौन, ऑपरेटर्स जो आपको ट्रैप कर रहे थे वो बेच रहे हैं, यहाँ पर वो बेचना शुरू कर दिए, सेलर बहुत सारे हैं और बायर्स जीरो है, तो खरीदने वाला कोई नहीं है, बेचने वाले सब है, तो क्या होता है स्टॉक जो है वो क्रैश करने लगता है। जैसे जब बेचने वाला कोई नहीं था तो बढ़ रहा था, वैसे जब खरीदने वाला कोई नहीं है तो गिरने लग जाता है, और गिरता यहाँ पर कहीं आता, इतना नीचे आ गया तो आप भी क्या करते हो, अपना नुकसान में बेचने लग जाते हो, या फिर हो सकता है आप, सॉरी मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करूँगा, आप यहाँ पर बेच ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेलर है, बायर तो है ही नहीं। फिर आप देखते थे, आप डेली कोशिश करते हो यहाँ पे, आप डेली बिड लगाते हो लेकिन मिलता ही आपको, आपका शेयर बिकता ही नहीं है, आप फंस गए। क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट में, जब लोअर सर्किट में रहेगा तो शेयर्स बिकेंगे ही नहीं, सिर्फ बायर्स ही बायर्स खड़े रहे, सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स खड़े रहेंगे, बायर कोई रहेगा ही नहीं, और जब कोई खरीदने वाला नहीं है तो शेयर बिकेगा नहीं। जब यहाँ पे कहीं जाके जब यहाँ पे नीचे कहीं आकर हमें मिलता है बायर, तब जाके हमें नुकसान हो जाता है। तो यही होता है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक का नाम आपके सामने आ गया है, स्टॉक का नाम है जिनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, और यहाँ पर अगर हम देखें जिनेक्स की बात करें, यहाँ पर अगर मैं इसके फंडामेंटल्स को देखें, देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप पूरा फंडामेंटल देख लो, फिर आप बताना कि आपको सिंकॉम ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि जिनेक्स। मुझे सिंकॉम पसंद है, बहुत पसंद है, मेरे पास भी है, लेकिन सिर्फ लोअर सर्किट और अपर सर्किट की वजह से यार मुझे बढ़िया नहीं लग पाता है, क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट बहुत ज़्यादा है उसमें, इसमें इतना नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट कैप 78 रुपीज़ का और 6.20 रुपये के आसपास चल रहा है ये अभी। अब स्टॉक का PE 28 का, बुक वैल्यू 2.03 रुपये के अराउंड का, आप लगा लीजिए 2.93 रुपये का, 1 रुपये का फेस वैल्यू है, 2.5 रुपये नीचे जा चुका है, ऊपर 8.35 रुपये जा चुका है। ROC 8 रुपये का है, ROE 8% का है, ROE 5% का है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 50 दिन और 200 दिन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रुका हुआ है,
और यहाँ पर अगर देखें हम क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हमें रिजल्ट्स भी जो हैं वो सही सलामत आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर वो प्रस्तुत कर सकता है जब भी आएगा रिजल्ट। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और नीचे और बैलेंस शीट पे नज़र मारूँ तो देखिए कर्जे की अगर मैं बात करूँ तो 6 करोड़ के अराउंड का कंपनी पे कर्जा है जबकि 24 करोड़ का रिजर्व है। तो आप चाहो तो एक इसे डेट फ्री कंपनी भी कंसिडर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पास अगले के पास कैश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, 22% माल प्रमोटर्स के पास है और अभी से नहीं 2018 से, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में उन्होंने अपना होल्डिंग कम कर दिया, 2018 से यही कंसिस्टेंसी बनी हुई है, शायद मैं सही से बोल नहीं पा रहा था, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। और अगर यहाँ पर देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग तो यहाँ पर 77.95% हमें नज़र आ रहा है। इंतज़ार रहेगा इसके रिजल्ट के, क्या करें क्या यहीं पे ख़रीद लें वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। पहले आपने फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल कैसा लगा आपको? एक पेनी शेयर का जिस हिसाब से होना चाहिए ठीक है, अगर यही थोड़ा सा प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा होता तो आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है ना, प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा होता और ये नेट कैश फ्लो में यहाँ पर थोड़े से जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है यहाँ पर भी प्लस होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, जैसे नेट कैश फ्लो में यहाँ पर माइनस में। चलिए अभी नया नेट कैश फ्लो आ जाएगा वो आप देख लेना, वो शायद से प्लस में होगा। और अगर इसमें कुछ अच्छा मैं देखूँ तो और क्या अच्छा हो सकता था, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है काफ़ी टाइम से, यहाँ पर देखिए लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये चीज़ बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है ये। और इस बार भी शायद से बढ़िया प्रॉफिट ही रहेगा बस, और सब मुझे बैलेंस शीट बढ़िया लग रही है, बैलेंस शीट अच्छा लगा मुझे, बैलेंस शीट पर कर्जा थोड़ा सा है बहुत, 6 करोड़ के अराउंड का, ना के बराबर, 78 करोड़ की कंपनी है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसके निष्कर्ष पर तो मैं सॉरी ये चार्ट को पहले मैं यहाँ पे सही करूँ, हाँ 6.74 रुपये आज भी हमें एक तेज़ी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक करता है ना 7.10 रुपये को तो शायद से ये हाई भी ब्रेक करेगा 8.50 रुपये वाला, और 8.50 रुपये वाला हाई ब्रेक करने का काफ़ी ऊपर है। आप चाहो तो यहाँ पे कहीं इसको बाइंग बना सकते हो ये 6 रुपये के आसपास के एरिया में, 6 रुपये के आसपास एरिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप 6 रुपये के आसपास के एरिया में बाय करा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर 100% बाइंग कर लो, अपने पैसे अपने पास रखना। यहाँ पे देखो सपोर्ट है ना ये 6 रुपये के आसपास, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट बाई चांस से टूट भी जाता है और ये नीचे भी आता है तो फिर यहाँ पे कहीं ये 5.5 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा आप 25% यहाँ बाइंग करना और नीचे आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा, 4 रुपये के आसपास बाकी के बाइंग करना और 4 रुपये के आसपास मैं भी बढ़िया बाइंग करूँगा और फिर अपन निकलेंगे। ये टोटल वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप इस वीडियो को किसी भी तरीके से आप सीरियसली लेके मतलब कि बड़े पैसे मत लगा देना, नुकसान जो भी होगा वो आपका ही होगा, हम वीडियोस बना रहे हैं अपना जो हमारा व्यू है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाते हो तो नुकसान आपको, क्यों? क्योंकि जो पेनी शेयर्स होते हैं वो हाई रिस्क की काउंटर होते हैं, हाई रिस्क की काउंटर, आज 6 रुपये पे है कल 3 रुपये पे आ जाए परसों 2 रुपये पे आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए उतना ही अमाउंट लगाइएगा, अपने रिस्क फैक्टर को समझ के लगाइएगा कि बाई चांस से अगर आपका पोर्टफोलियो 50% भी गिर जाता है तो आपको देखना में कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी एक शेयर में लगाना कोई पोर्टफोलियो नहीं कहलाता, अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो अच्छे शेयर्स में अपने पैसे को लार्ज कैप में कम से कम नहीं तो 60% आपका जो पैसा वो लार्ज कैप में बेस्ट स्टॉक्स में होना चाहिए, ठीक है ना, रिलायंस, ATCS, HCL टेक, और अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस, ऐसे स्टॉक्स में ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना, ऐसे स्टॉक्स में होना चाहिए, लार्ज कैप में होना चाहिए, मारुति में, बजाज ऑटो में, और 40% में से आपका 30% स्मॉल कैप और मिड कैप होना चाहिए, और चाहो तो आप 10% या फिर 10% से भी कम चाहो तो 5% आप पेनी शेयर्स में निवेश कर सकते हो, बट मैं कहूँगा 5% भी बहुत ज़्यादा यार, 2-3% रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और आप पेनी शेयर्स में, मत ये कह सकता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो पूरा प्रिपेयर हो गया है और जो पैसे बनते हैं छुटकर से उससे आप पेनी शेयर खरीद लो, या घर के कबाड़ बेच के, रद्दी बेच के जो पैसा निकलता है उससे आप पेनी शेयर्स में बाइंग करो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।